सफल जीवन के तीन सूत्र। नाभि में लगे हुए श्री राम के तीर रावण को मृत्यु के द्वार तक धकेल चुके थे। श्री राम जानते थे कि रावण आज अकेले दम नहीं तोड़ेगा, उसके साथ ज्ञान और पंडित्य का अनंत आकाश भी कांच की तरह चटक कर टूट जाएगा। तो उन्होंने लक्ष्मण से कहा, अनुज, इस सृष्टि का प्रकांडतम विद्वान अंतिम सांस लेने वाला है, जाओ उससे अनुरोध करो कि वो संसार से जाते जाते तुम्हारी झोली में कुछ ज्ञान के रतन डाल दे। लक्ष्मण गए, रावण से ज्ञान का निवेदन किया। रावण ने सुना लेकिन कहा कुछ भी नहीं, बस मुँह फेर लिया। लक्ष्मण उत्तेजित हो गए, वापस आए और बोले, प्राण जाने को है लेकिन इसका अहंकार नहीं जा रहा। राम ने कहा, क्या तुम इतना भी समझ नहीं पाए कि तुमसे मुंह फिराना ही रावण का सबसे पहला ज्ञान था। तुम सिरहाने खड़े होकर गुरु से ज्ञान मांग रहे थे। शिष्य का स्थान गुरु के चरणों में होता है, उसके सिर पर नहीं। इस बार लक्ष्मण रावण के पैरों के पास खड़े हुए और सृष्टि के सबसे बड़े ज्ञानी ने उन्हें सफल जीने के कुछ सूत्र बताए। ये सूत्र इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये उस व्यक्ति के मुख से निकले हैं जिसने जीवन में अपने पुरुषार्थ से सब कुछ पा लिया और फिर अपने अहंकार से सब कुछ खो दिया। पहला सूत्र, शुभस्य शीघ्र। रावण ने लक्ष्मण से कहा, मन का स्वभाव है सत्कर्मों को स्थगित करते रहना और दुष्कर्मों की ओर आकर्षित हो जाना। सत्कर्म वो है जो कल्याण, कृपा और करुणा की भावना से किए जाएं, दुष्कर्म जिसमें इन तीनों का अभाव हो। कई बार विचार आया कि मैं सीता को सम्मान लौटा दूं, लेकिन मेरा मन इन सत्कर्मों को टालता रहा। यदि मैंने सत्कर्म का पहला संगीत सुन लिया होता तो मरघट का ये साए साए करता हुआ सन्नाटा सुनने की नौबत नहीं आती। शुभस्य शीघ्रम यानी शुभ करने का विचार आए तो उसे कभी भी स्थगित मत करें, उसी क्षण विचारों को कार्य में बदल देना, वरना मन अपनी चाल चल देगा। सूत्र नंबर दो, शत्रु को कमजोर न समझे। कौन राम, वही वनवासी जो जंगल जंगल मारा मारा फिर रहा है, वही अयोध्या का राजकुमार जिसके पास ना घर है ना घाट है, ना हाथी है ना घोड़े है ना राजपाट है। वो दशानन का सामना करेगा, असंभव। लेकिन हुआ क्या, असंभव संभव हो गया। वो साधारण सा मानव विजय तिलक लगाकर सूर्य को अदर्य दे रहा है और इस महाअसुर का सूर्य अस्त हो रहा है। क्योंकि मैंने शत्रु को कमजोर समझने की भूल कर दी थी और इसकी आधारशिला तो उसी दिन रख दी गई थी जब मैंने जगत पिता से अमृतत्व का वरदान मांगा था। खुद को देवता, असुर, पशु, पक्षी, यश, गंधर्व सभी से सुरक्षित कर लिया था, लेकिन मैंने मनुष्य से सुरक्षा नहीं मांगी क्योंकि मैंने मनुष्य को इस लायक कभी समझा नहीं। मेरा यही अहंकार मुझे ले डूबा। सूत्र नंबर तीन, राज को राज रहने दो। और ये मेरा अंतिम सूत्र है, इसे कभी मत भूलना। मैं तुमसे अपने मन का सबसे गहरा भेद बांट रहा हूँ, लेकिन तुम ये भेद किसी और को मत कहना। इससे अधिक हास्यपद बात कोई और हो सकती है क्या? अगर तुम खुद अपना राज राज नहीं रख पा रहे तो कोई और क्या रखेगा। यही भूल मुझसे हुई, मैं अजय था लेकिन ये भेद की मेरी नाभि में अमृत है, मैं छिपा नहीं पाया। इसी भेद के बल पर मेरे भाई ने मेरे सर्वनाश का शंखनाद कर दिया। रावण के द्वारा लक्ष्मण को बताए गए ये तीन सूत्र आज के जीवन में भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने उस वक्त थे। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इसी तरह की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।